हम अंदर आ गए हैं, देख रहा हूँ कि सामने स्विमिंग पूल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करता अच्छे होंगे। आज हम थोड़ा लेट निकले हैं शाम को, मैं सोचा काफ़ी दिन से हम मैगी पॉइंट वगैरह नहीं गए हैं, तो आज मैगी पॉइंट वगैरह जा रहे हैं। तो शाम के बज रहे हैं इस टाइम 6:30 हो रहे हैं, तो पहले हम मैगी पॉइंट वगैरह जा रहे हैं। तो आज हम अपने मदर इन लॉ के घर ही रुकेंगे। देखिए साथ में मेरे मम्मी और सब हैं, ये बैठे हैं पीछे, इधर मदर इन लॉ भी दिख रही होगी, ये देखिए। और तो अब यहाँ से हम मैगी पॉइंट जा रहे हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा स्नैक्स वगैरह इन्जॉय करेंगे, उसके बाद सीधा हम घर जाएंगे और रात वहीं रुकेंगे। आज स्टे वहीं है हमारा। तो फिर कल हमने स्विमिंग पूल वगैरह में जाने का सोचा है, वहाँ जाके नहाएंगे, क्योंकि आजकल थोड़ी गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो स्विमिंग पूल में जाएंगे और वहाँ नहाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग आगे। ये देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर है जो आप देख रहे होंगे, ये शिवजी भगवान का मंदिर है। ये मसूरी रोड पर ही पड़ता है, जो आप मसूरी जाते हुए देखेंगे। ये देखिए आप, यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है ये है, और ये जो साथ में आप लोग स्टॉल्स वगैरह देख रहे होंगे, थोड़े स्नैक्स वगैरह काउंटर्स है। ये मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, तो आप आके यहाँ पे कुछ भी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट पर मिलता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कैफे एंड रेस्टोरेंट करके हैं, नाम पबजी ग्लोबल इन्विटेशन। तो अभी हम ऊपर चलेंगे सीढ़ियों से, यहाँ पे ऊपर चल के बैठेंगे, मस्त इन्जॉय व्यू इन्जॉय करेंगे। कितने अच्छे डेकोरेशन वगैरह करे हुए, लाइटिंग कितनी अच्छी है यहाँ पे, ज़्यादा क्राउड नहीं है, कम ही लोग हैं। व्यूज़ देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे व्यूज़, और बादल तो क्या ही ना कहने, बादल ने तो मज़े दिला रखे आज। ऊँचे ऊँचे माउंटेन्स है, बारिश होने के बाद कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए नीचे पूरा खाई है, ये सामने देहरादून, और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सनसेट हुआ है, तो थोड़ा सा बस अंधेरा होने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस अब हम यहाँ बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या क्या मंगाते हैं, मैगी मैक्रोनी वगैरह और चाय जो भी पियेंगे। बाकी कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आप देख रहे हो मेरे पीछे अच्छे बादल छा रहे हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे रात के टाइम, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी करके रखते हैं। तो और कैसी ऐसी जगह, खूबसूरत जगह, पहाड़ और साथ में गरम गरम मैगी और चाय पी। चलिए फिर ऑर्डर करते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैक्रोनी ऑर्डर करी है मैं 4 प्लेट, और मैगी करी है मसाला मैगी, और थोड़ी देर में चाय वगैरह भी मंगाते हैं। तो मेरे पीछे देखिए कितना बढ़िया व्यू लग रहा है लाइटिंग का, रात हो चुकी है और बादलों ने पूरा घेरा हुआ मौसम। अब देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की। तो आप भी जब आए ज़रूर यहाँ पे आके बैठे, मैंने आपको अभी दिखा दिया होगा, आपने नहीं देखा होगा बैक करके देख लीजिए आप, जो रेस्टोरेंट का नाम है, यहाँ ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, आराम से बैठ कर खा सकते हैं आप। तो ये लोग ऑर्डर करके आ गए, ये देखिए ऑर्डर करके आ गए, जैसे आप आपको दिखाते हैं यहाँ की प्रिपरेशन कैसी है। आगे हमारी मैगी, गर्मा गर्म मसाला मैगी, एकदम गर्म गर्म है और अच्छी लग रही है बहुत देखने में, तो उसे टेस्ट करते हैं। चलिए बढ़िया बना रखी है, बहुत अच्छी है, पर मैगी खाने नहीं वाले, टेस्ट के लिए हमने ली थी। ये मंगाई है वंदना ने, तो वंदना खाएगी इसे, तो हमारी मैक्रोनी आ रही है, तब आपको दिखाते हैं मैक्रोनी। ये आगे हमारी गर्म गर्म मैक्रोनी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, देखिए गर्म गर्म है, काफ़ी कुछ डाला हुआ, शिमला मिर्च का अचार वगैरह। तो इसे टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसी लग रही है। लाइट थोड़ा काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो फ्लैश का यूज़ करना पड़ रहा है हमें, पर खा के देखते चलो। बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है गर्म गर्म, और चटपट चटकेदार एकदम बना रखी है, चटपटी एकदम। और ये निमृत है, देखिए मैगी खा रहा है, इसको लग रही है मिर्ची, कैसे लग रही है?
अच्छी लग रही है, अच्छी बनी है, वेरी गुड। मैगी खाने का मन नहीं था, बस निमृत खा रहा है मैगी, नहीं तो सबको मैक्रोनी खाना था। ठीक है, फिर घर चल के मिलते हैं आपसे और फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें चेरी वगैरह डाल के दे, लस्सी कितने का गिलास है भैया? 50 रुपये का गिलास है। और इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने किशमिश वगैरह डाल दी है, चेरी काजू वगैरह। चलिए इसे ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसी लग रही है। ये हमारी आ गई लस्सी, तो इसमें काफ़ी कुछ डाल रखा है इन्होंने, काजू ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं काफ़ी। तो इसे टेस्ट करते हैं कैसी लगती है। बढ़िया, एकदम गाढ़ी लस्सी है और ड्राई फ्रूट्स का तो अपना ही टेस्ट है, अच्छी बना रखी है। प्राइस भी ठीक है ना, ठीक है, 50 रुपये गिलास हर जगह नॉर्मल मिलता है, और जगह तो सिंपल ही देते हैं, यहाँ पे भी ठीक है, गाढ़ी लस्सी और साथ में ड्राई फ्रूट्स। चलिए इन्जॉय करते हैं। सब कैसे लग रही है? बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, बढ़िया है ना। गाइस प्रेमनगर मेन चौक पर है, आप देख रहे हैं मार्केट है पूरी, कालरा स्वीट शॉप है, तो दुकान का नाम मैंने आपको दिखा दिया है। काका जी नई शॉप खोली है, कुछ कितने महीने हो गए खुले हुए? इसको 5 से 6 महीने हुए हैं इसे खुले। तो गाइज आप अगर आसपास से लोकल से देख रहे हैं तो अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ज़रूर, तो ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं कहीं और का प्रोग्राम कहाँ चलते हैं। अभी अभी हम घर पहुँच गए हैं, बड़ा निराश होकर घर पहुँचे हैं, तो कुछ मिला नहीं खाने को, क्योंकि गलती हमारी है उसमें, हम काफ़ी लेट हो गए आज, तो एक लस्सी भी बस सोचा कुछ खा पी लेंगे, स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिला खाने को। और हमारे कल का दिन अभी बाकी है, तो कल हमें स्टार्टिंग में सुबह स्विमिंग पूल वगैरह जाना है नहाने के लिए, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ब्लॉग में। उसके बाद नहा धो के फिर देखेंगे कुछ ना कुछ मार्केट में खाने पीने का, कुछ स्नैक्स यहाँ का फेमस है। और ये बच्चे यहाँ पे सारे मस्ती कर रहे हैं, ये हमारे हम मतलब इन लोगों के घर आ रखे हैं, मैंने बताया था अभी रात यहीं रुकेंगे आज हम, फिर कल यहाँ से सुबह जो प्रोग्राम नहा धो के फिर थोड़ा मार्केट घूम के फिर वापस होटल चल जाएंगे अपने घर। तो आज का प्लान यही है, तो चलिए फिर अभी देखते हैं अंदर क्या बन रहा है। अभी चिकन की प्रिपरेशन हो रही है, चिकन बन रहा है खाने में आज, तो चिकन खाएँगे तो आपको दिखाते हैं एक बार प्रिपरेशन, कैसी प्रिपरेशन हो रही है। चलिए हाँ जी, किचन में आ गया मैं, काजल है, आज ये काजल चिकन बना रही है, देखें पूरा चिकन बन रहा है। तो आज पहली बार काजल चिकन बना रही है, देखते कैसा बनता है। तो वेजिटेरियन प्लीज माइंड बंद करना, किस दिन पनीर वगैरह बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद साथ में मम्मी वगैरह भी आई हैं, वैसे तो हम आते हैं तो मम्मी बच्चे तो आते हैं, मम्मी आई है इस बार जिससे चिकन वगैरह बन रहा है। हमारे घर में सारे मोस्टली नॉनवेज के दीवाने हैं, मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बता रखा है आपको, तो इसलिए नॉनवेज बनता रहता है, कभी मच्छी कभी चिकन वगैरह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है, मैंने आपको बताया था रात में, तो कि आज हम स्विमिंग पूल वगैरह जाने वाले हैं, तो अभी हम वैसे घर पर नहा लिए हैं, तो वहाँ जाएंगे। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, पीछे खुद दिख रहा होगा एकदम बादल हो रहे हैं, तो बस आज मौसम भी बढ़िया है। अगर धूप होती है तो बहुत इरीटेटिंग होता है नहाना, कि ऊपर से धूप पड़ती है सनलाइट, तो बहुत अजीब सा लगता है, गर्मी सी लगती है। तो मौसम ठीक है, बादल है पर है थोड़ी ह्यूमिडिटी, ठीक है गर्मी है, तो नहाने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस हम निकल रहे हैं यहाँ से और चल के हम आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे व्यूज़, कैसा स्विमिंग पूल है। सुना है मैंने, तो गया नहीं है, उससे पहले स्नेह और गए थे, बता रहे थे एकदम जंगलों के बीच में है, नेचर के बीच में एकदम। तो चलिए फिर वहाँ चल के आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे व्यू। हम पहुँच गए स्विमिंग पूल में, कुछ ऐसा है पीछे, बिल्कुल जंगलों के बीच में है, खेत वगैरह है, देख रहे हैं मेरे पीछे। तो हमने जाना है इधर, पीछे जाना है हमने, तो बचे छोटा सा यहाँ पे, अभी ब्रिज पिछली बार बता रहे ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज तोड़ दिया, मतलब दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अब हम इसके अंदर से पार होके वहाँ जाएंगे और इसके अंदर है स्विमिंग पूल, चलिए दिखाते हैं आपको। हम अंदर आ गए हैं, देख रहे हैं कि सामने स्विमिंग पूल है। Thank you.
सब पानी के अंदर आ गए, अभी इतना पानी आ गया, आप देख रहे होंगे। तो ये निमित डर रहा है, निमित आ नहीं रहा ऊपर। कैसा लग रहा है? मौसम बहुत अच्छा हो गया, थोड़ी देर में लगता है बारिश अभी आने वाली है। बारिश और स्विमिंग पूल दोनों बनाएंगे आज हम, डबलिंग करेंगे आज हम। ये पानी का सोर्स है, यहाँ से पानी आ रहा है फ्रेश वाटर। तो हम यहाँ के मजे से बैठे हैं आराम से। बताया गर्मी ख़त्म होने वाली है, थोड़ा बहुत नहा लेते हैं स्विमिंग पूल में भी, फिर गर्मी ख़त्म हो जाएगी, बरसात शुरू हो जाएगी जुलाई से। तो ये निमित डर रहा है, आ नहीं रहा नीचे, ज़बरदस्ती आ रहे हैं पर आने की कोशिश नहीं है, आ नहीं रहा है। तो सर नहा लेते, थोड़ी पिकनिक भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा स्विमिंग पूल में नहाने में। शिव जी का मंदिर है, ये हमारे भैया साथ में केयर टेकर है। भैया क्या नाम है मंदिर का? भैया यहाँ के ओनर है मंदिर का, आत्मेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है एमपी से लेके आया है ना? एमपी। तो ये मंदिर है, यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लेते हैं। शिव जी शिवलिंग है यहाँ पे। ये जस्ट जहाँ पे अभी हम आए हैं स्विमिंग पूल बनाने, उसके जस्ट एंट्रेंस में ही बना रखा है मंदिर। ये अभी नया नया मतलब स्थापित किया है, पर काफ़ी प्रसिद्ध है, लोगों में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, सोमवार को बहुत भीड़ रहती है। तो ये भैया हमारे यहाँ के ओनर है, क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। और ये भैया हमारे केयर टेकर है, आपका नाम भी बता दीजिए भैया। विजय किशोर। तो यहाँ आने का रास्ता कैसे है आप बता दीजिए एक बार। हाँ, ये अभी नया बन रहा है यहाँ पे, मैंने आते हुए दिखाया था आपको। जेष्ठ यहाँ से मेदपुर होते हुए आता है। ये पूरा देख रहे होंगे आप, नेचर के बीच में बना रखा है एकदम, कोई शोर शराबा नहीं है। जिसको नेचर का, जो नेचर लवर्स है वो जानते होंगे, तो जिनको भी मतलब यहाँ आना, मैं आपको लोकेशन यहाँ दे दूँगा, यहाँ की जो गूगल मैप पे लोकेशन डाल दूँगा, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पुल बन जाएगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैं नीचे से आना पड़ा, तो पुल बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी पूरी आपकी, और आप आके अंदर इन्जॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। साथ में आप देख लोगे कितना अच्छे अच्छे आप पेड़ लगा रखे हैं फूल के, और काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पर, तो एकदम नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस, जो भी आप यहाँ लोकल देख रहे होंगे चाहे मेरा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, मैं लोकेशन डाल दूँगा गूगल मैप में। तो ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं, बहुत इजी रास्ता है। प्रेमनगर से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर होगा ये, ज़्यादा अंदर भी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब क्योंकि प्रेमनगर आप जानते हैं शहर कितना आजकल बिजी चल रहा है, शोर शराब वगैरह। जिसको एक दिन का भी रिलैक्स करना हो, मैं यहाँ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए फिर हम निकल गए हैं घर के लिए वापस। बच्चे यहीं रह रहे हैं 2-3 दिन के लिए, उनका मन है, गैस वैसे भी छुट्टियां चल रही है, तो हमने मंडे को एक नई ट्रिप पे भी जाना है, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। वो मैं जिस दिन निकलेंगे उसी दिन बताऊंगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं, गुजरात, पुरी, मैंने पहले भी बताया था, गुजरात जा रहे हैं, पुरी जा रहे हैं, या फिर हम अंडमान जा रहे हैं, या फिर रामेश्वरम जा रहे हैं। इन चारों जगहों में से एक जगह जा रहे हैं, वो आप गैस करके जरूर कमेंट में बताना कि कहाँ जा रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन में बता देना आप। बाकी मैं वो आपको मंडे को मिल, जब जो ब्लॉग आएगा हमारा मंडे को, उसमें देखना कि कहाँ जा रहे हैं हम, मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं, बच्चे घर ही है, तो साथ में गुंजन जा रही है और मम्मी वगैरह जा रही हैं वापस, हम तीनों ही जा रहे हैं, बच्चों को लेने आएंगे 3 दिन बाद। चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। यहाँ खाई जा रही है आइसक्रीम, वो भी डिज़ाइन वाली, ब्लैक करंट का फ्लेवर डाल के टेस्ट करके देखते हैं कैसी है आइस, टेस्ट करके बढ़िया बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, हम घर वापस आ गए हैं, तो अभी जस्ट पहुँचे हैं, टाइम हो रहा है, टाइम देख रहे होंगे आप 7:30 हो रहे हैं इस टाइम, तो हमें थोड़ा लेट होगी पहुँचते, जाम भी बहुत था। तो बस आज इस ब्लॉग में इतना ही था कि हमने स्विमिंग पूल वगैरह जाना था, थोड़ा मसूरी रोड में सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, काफ़ी दिन से लोकल ब्लॉग नहीं बनाया हमने। तो अब हमारा नया टूर लगने वाला मंडे को, वो उसके मैं आपको डिटेल्स अगले ब्लॉग में दूंगा, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, तब तक आप गेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग अगर थोड़ा सा पसंद आया हो, अगर यहाँ तक ब्लॉग देख लिया आपने और ये चेहरा पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करते हुए जाना, और चेहरा पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और जितने अपने फ्रेंड सर्कल में जितने सबसे सब्सक्राइब करा देना,
आपके लिए ऐसी ट्रैवलर वीडियोस वगैरह हम लाते रहेंगे। हमारा शौक ही ट्रैवलर का है, ट्रैवल करने का, तो आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।